शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरी से और ये है लिनोवो। लिनोवो एक ऐसी कंपनी है जिसने IBM के PC डिवीजन को खरीदा था और उनके नोटबुक्स आज बहुत टॉप ऑफ द लाइन माने जाते हैं। लेकिन लिनोवो का नाम और स्मार्टफोन्स, इंडिया में उनकी कैंपेन शुरू हो रही है 5 नए फोन्स के साथ। हम शुरू करेंगे आज उनके 5 इंचर्स के साथ और उनसे ये भी पता करेंगे कि इतनी लेट एंट्री क्यों कर रहे हैं वो स्मार्टफोन्स में। लिनोवो, इसने चीन के कंप्यूटर बाजार को हिलाकर रख दिया है। IBM को खरीद कर नोटबुक्स और थिंकपैड्स को नया आयाम दिया। कंप्यूटर हार्डवेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया के बादशाह ने एंट्री मारी है स्मार्टफोन के मार्केट में, वो भी एक दो नहीं 5 फोन के पैक के साथ। लेकिन सवाल ये उठता है कि भारतीय बाजार में एंट्री करने में लेनोवो ने इतनी देरी क्यों की? चाइना में लेनोवो का जो स्ट्रेंथ है बहुत स्ट्रांग है, हमारे ब्रांड बहुत स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स बहुत स्ट्रांग है, तो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। और बहुत सारे ऐसे जो बिजनेसेस होते हैं या स्मार्टफोन या टैबलेट्स, उसमें जो स्केल, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू बी कॉम्पिटिटिव। तो इसलिए पहले हम चाइना में लॉन्च करते हैं, वो जो स्केल बढ़ाते हैं, वॉल्यूम्स बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बाकी इंटरनेशनल ऑपरेशंस में एक्सपेंड करते हैं। पहले बात लेनोवो K860 की। ये लेनोवो का फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। ये 9.6 mm पतला और इसका वजन सिर्फ 193 ग्राम है। इसमें रेगुलर ब्लैक प्लास्टिक केसिंग है। दाई तरफ वॉल्यूम के लिए राउंड हेड सिल्वर कीज, वहीं ऊपर में है पावर बटन। बाई तरफ 3.5 mm का जैक और USB पोर्ट है। ये मजबूत फोन है, हालांकि फोन का लुक्स आपको बहुत ज्यादा आकर्षित नहीं करता। इसमें 5 इंच की स्क्रीन है और 1280x720 पिक्सल का रेजोल्यूशन है। अच्छे रेजोल्यूशन की वजह से डिस्प्ले की क्वालिटी बेहतर है। K860 में आइसक्रीम सैंडविच ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन इसे एक फ्रेश फ्लेवर देता है लेनोवो स्क्रीन। जब आप इसे अनलॉक करेंगे तो आपका स्वागत होम स्क्रीन पर होता है, जो दूसरे एंड्रॉइड फोन से थोड़ा अलग है। एप्स के लिए कई शॉर्टकट्स हैं, जिसे आप अपने हिसाब से व्यवस्थित कर सकते हैं। स्क्रीन के नीचे 4 टच सेंसिटिव एंड्रॉइड कीज हैं। हल्के टच पर भी फोन बेहतर तरीके से आपको जवाब देता है। वहीं इंटरनेट पर ब्राउजिंग भी फास्ट है। फोन में पीछे की तरफ 8 मेगापिक्सल का कैमरा है। कई सारे इफेक्ट्स दिए हुए हैं जिसे आप अपनी तस्वीर में इस्तेमाल कर सकते हैं। विंडो पॉपअप के दौरान आप इफेक्ट्स को देख सकते हैं। बटन को लंबे समय तक दबाकर रखने पर आप लगातार इमेज मोड पर रह सकते हैं। 2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी है। इसमें 1.4 GHz क्वाड कोर एक्सिनोस प्रोसेसर है, जो बेहतरीन है। लेनोवो ने स्टोरेज के मामले में कोई समझौता नहीं किया है। इसमें 1 GB का रैम, 8 GB की इंटरनल मेमोरी और microSD कार्ड स्लॉट भी है। इसमें पावरफुल 2250 mAh की बैटरी है, जो एक दिन तक आराम से चल सकती है। K860 की कीमत 28,000 रुपए है। जो अगला फोन हम आपके लिए लाए हैं, उसकी स्क्रीन भी 5 इंच की है। ये है लेनोवो S880। ये देखने में बेहतरीन है, साथ ही इसमें सफेद केसिंग और इसके किनारों पर मेटलिक रिम्स हैं। वॉल्यूम की दाहिनी तरफ है, USB पोर्ट, पावर की, 3.5 mm जैक, सब कुछ टॉप पर है। पिक्सल रेजोल्यूशन थोड़ा कम 800x480p है। इसमें भी लेनोवो लॉन्चर स्क्रीन मौजूद है। अगर बात फीचर्स और खूबियों की करें, तो ये K860 का ही एक सिकुड़ा हुआ रूप है। इसमें 4 GB की इंटरनल मेमोरी, साथ ही 512 MB रैम और microSD कार्ड स्लॉट है। इसमें 1.5 GHz की सिंगल कोर प्रोसेसर है, जो बड़े फोन की बात करें तो एक समझौता लगता है। इसमें 5 MP का कैमरा है, जिसमें औसत दर्जे की पिक्चर क्वालिटी है। लेकिन लेनोवो के पहले मॉडल की तरह स्मार्ट फीचर्स नहीं है। इसमें फ्लैश भी नहीं है। इसमें औसत दर्जे का VGA फ्रंट कैमरा है। बैटरी K860 की तरह ही 2250 mAh की है। इस मॉडल की कीमत 19,000 रुपए है। तो क्या अलग है इन सारे फोन्स में? हमारे फोन्स को अगर आप देखें तो इनमें परफॉर्मेंस बहुत ही स्ट्रांग है। प्रोसेसर स्पीड इज़ वेरी गुड, ग्राफिक्स कैपेबिलिटी है, स्क्रीन साइज़ काफ़ी बड़ी है, क्योंकि यंग लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं फ़ोन्स पे, इंटरनेट पे, थ्रू द मोबाइल डिवाइस। और हमने इसमें काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी इसमें डाली है, जिससे कि बैटरी लाइफ आपकी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुई है। सेल गुरु का निर्णय ये देखकर अच्छा लगा कि लेनोवो ने डिवाइस में सभी कीमतों का ख्याल रखा है। जहां K860 अपनी कीमत पर बेहतरीन है, वहीं S880 अपनी खूबियों की वजह से ठीक ही है। India's number one news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.